नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉनपॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। परीक्षा परिणाम निकलते ही अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों का स्कूल पहुंचकर हंगामा करना एक परिपाटी से चल पड़ी है। पहले राजेंद्र विद्यालय, फिर केरला समाजम और फिर DBMS में स्कूल के बाहर अमूमन यही दृश्य देखने को मिला। 9वीं और 11वीं के फेल छात्र छात्राओं के अभिभावक स्कूल के बाहर जमकर हंगामा करते रहे। शहर के निजी स्कूलों के अभिभावक इन दिनों अपने बच्चों के रिजल्ट को लेकर खासे चिंतित हैं। खासकर ICSE बोर्ड वाले स्कूलों के अभिभावकों को विद्यालय प्रबंधन की मनमानी का शिकार होना पड़ रहा है। दरअसल मामला 9वीं और 11वीं के ज़्यादातर छात्रों के फेल होने को लेकर है, जहां 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों को फेल करने के बाद अभिभावकों में मायूसी के साथ नाराज़गी भी देखी जा रही है। पिछले दिनों राजेंद्र विद्यालय में अभिभावकों एवं विद्यालय प्रबंधन के बीच काफ़ी हो हंगामा हुआ था। इसके बाद प्रशासनिक मध्यस्थता के बाद मामला सुलझा। इधर सोमवार को केरला समाजम मॉडल स्कूल और DBMS स्कूल में अभिभावकों ने हंगामा किया। अभिभावकों का आरोप है कि प्राइमरी से लेकर 11वीं तक इसी स्कूल में बच्चों को शिक्षा दिला रहे हैं। यदि बच्चे फेल कर रहे हैं तो इसकी जवाबदेही अभिभावकों पर दी जा रही है और विद्यालय प्रबंधन अपना पल्ला झाड़ रहा है। इससे न केवल बच्चों का भविष्य प्रभावित होता है बल्कि उन्हें भी प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, अभिभावकों ने विद्यालय प्रबंधन पर दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाया है। वैसे केरला मॉडल स्कूल ने बुधवार को अभिभावकों को बुलाया। अभिभावकों ने साफ कर दिया कि यदि प्रबंधन के साथ सार्थक वार्ता नहीं हुई तो स्कूल के खिलाफ आंदोलन चलाया जाएगा। कि बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है, प्रमोशन नहीं किया गया। मेरा कहने का मतलब है, हम लोग के बच्चे शुरू से LKG से यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब आप 9th क्लास में ला के उन लोगों को बोलोगे कि ये इनको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, तो वो बच्चा का एडमिशन कहाँ करवाओगे आप? आगे क्या कीजिएगा आप लोग? रिपीट भी नहीं करने दिया जाए। प्रबंधक से बात किए हैं? प्रबंधक से बात करने गए तो प्रबंधक ने बोला कि एप्लीकेशन दे दीजिए, उसको देख के हम लोग बाद में बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपने एप्लीकेशन दिया? हाँ जी, मैंने एप्लीकेशन दिया। हम लोगों ने सबने क्या रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है अभी तक? तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अभी हम लोगों ने फिर ज्ञापन दिया है। भविष्य के लिए आए हैं क्या? क्या हुआ है, मामला क्या हुआ? 9th 11th को अरे रोकना था तो 7th में 6th में रोक देता, पहले रोक देता। अभी पैसा हम लोग का लग गया, कहाँ से देगा? नर्सरी से बच्चे पैसा कहाँ से कमाई होता तो हम लोग को मालूम है ना। कितने क्लास में बच्चे लगते हैं? अभी 9 में है मेरा बच्चा, पहले रोक दिया रहता। गवर्नमेंट का ये दिखाता है ये हो गया वो हो गया, वैसा करने से नहीं ना होगा। अभी स्कूल प्रबंधक से मिलने के लिए आप लोग आए तो क्या बोल रहे हैं? मिलने के लिए तो कोई आ ही नहीं रहा। नहीं, एक्चुअल क्या है, देखिए बच्चे फेल हुए हैं, 9th के भी हैं, 11th के भी हैं, मतलब परसेंटेज बच्चे फेल है। चाहे वो किसी कोई 2 नंबर से है, कोई 50 नंबर से, उसका मुझे नहीं पता, ठीक है, सब फेल है ज़्यादातर। तो हम लोग आए कि सारे पेरेंट्स, उन्हें प्लान किया कि चलो हम लोग जाकर पेरेंट्स से बात करते। ये भी हमने तब किया जब लॉयला के बच्चे और ये राजेंद्रा विद्यालय के बच्चे भी ICSE बोर्ड है, उनको पास किया, प्रमोट किया गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आए और हम लोगों ने सोचा, तो हमने सोचा कि चलो हम भी आकर बात करें। जब हम लोग यहाँ पर आए बात करने के लिए तो पहले तो हमें नकार दिया गया कि मैम यहाँ नहीं है, जबकि मैंने अपनी आंखों से मैम को देखा, हम सबों ने देखा। और उसके बाद जब हम जाने लगे तो हमारे मुंह पे दरवाजा को बंद किया गया, और जब वो बंद नहीं करने दिए, हम लोग एक लेडीज थी तो उनको बंद नहीं करने दिए, तो अंदर से एक जेंट्स गार्ड आता है, वो पूरा मतलब जोर से धक्का मार के बंद करता है। 11th और 9th के बच्चों को मिला के 11th के 75 बच्चे फेल हुए हैं और 9th के कुछ बच्चे फेल हुए हैं, बहुत सारे बच्चे फेल हुए शुरू से स्कूल में। LKG जब से पढ़ रहा बच्चा, और 11th में आके फेल कर दिया जा रहा सारे बच्चों को। तो सारे दोस्त गार्जियन को, पेरेंट्स को ही दिया जा रहा है। सारे स्कूल का प्रमोशन मिल गया, राजेंद्र विद्यालय मिल गया, टेलको के कुछ स्कूल मिल गए, लोयला दे दिया, लेकिन इस स्कूल में अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। सीताराम डेरा में बीती रात एक बड़ा हादसा टल गया, जब डिवाइडर से एक अनियंत्रित कार टकराई और फिर देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गई। कार में 3 युवक सवार थे, पर समय रहते तीनों सुरक्षित बाहर निकल गए। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के भुयाडी मेन रोड पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक चलती कार डिवाइडर से टकराते ही आग में तब्दील हो गई। कार डिवाइडर से टकराई ही उसमें आग लग गई। आग लगने की सूचना तत्काल अग्निशमन विभाग को दिया गया, जिसके बाद अग्निशमन विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और किसी तरह आग पर काबू पाया, मगर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी।
आपको बता दें कि कार में 3 युवक सवार थे, मानगो के एग्रीगो की ओर जा रहे थे। उस समय अचानक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। हालांकि समय रहते तीनों युवक सुरक्षित बाहर निकल गए थे। आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया के प्रतिष्ठित कंपनियों में शुमार RSB ट्रांसमिशन में उस समय अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई जब कर्मचारियों ने कंपनी परिसर में एक तेंदुए को देखा। तेंदुए ने एक कामगार को भी घायल कर दिया। RSB ट्रांसमिशन यूनिट 1 में रविवार की सुबह एक तेंदुए के घुसने से अफरा तफरी मच गई। मिली जानकारी के अनुसार तेंदुए के हमले से एक मजदूर भी घायल हुआ है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम और कंपनी प्रबंधन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। हालांकि अब तक तेंदुए को काबू नहीं किया जा सका है। CCTV कैमरे में तेंदुए के चहलकदमी को देखा जा रहा है, परखा जा रहा है, मगर अभी तक उसका कोई सुराग हासिल नहीं हो सका है। सही में कौन था पीछे गया? सीमेंट कामगार यूनियन की पहली आम सभा का आयोजन बारीगोड़ा में किया गया, जिसमें यूनियन द्वारा पिछले एक वर्ष में किए गए कार्यों का लेखा जोखा पेश किया गया। आम सभा में यूनियन से जुड़े तमाम सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान मजदूर हित में किए गए आंदोलन तथा पाए गए सफलताओं का विवरण सभी के समक्ष रखा गया। यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि लेबर वेज की मांग को लेकर यूनियन आंदोलनरत है। जो मामला फिलहाल न्यायालय के अधीन है, उन्होंने कहा कि मजदूरों के वकील ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि विगत वर्ष किए गए आंदोलन का सफल परिणाम भी सामने आए हैं और मजदूरों को उनका अधिकार कंपनी दे रही है। यूनियन का प्रथम आम सभा है आज और ये सफल हुआ और इसमें 7 सूत्री मांग आम सभा में पास की गई है। इसमें 7 सूत्री मांगों में सबसे अहम सवाल यह है कि जो मजदूर सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनके जगह पर अदर अलाउंस उन मजदूरों को भी दिया जाए। एक तरफ 350 मजदूर वैसे हैं जिन्हें अदर अलाउंस मिलता है और एक तरफ वैसे 250 मजदूर हैं जिन्हें अदर अलाउंस नहीं मिलता है। तो पहली लड़ाई प्रबंधन से यह होगी, मांग यह होगी कि सभी मजदूरों को अदर अलाउंस दिया जाए। चांडिल अनुमंडल स्थित एक तालाब में एक युवक का तैरता हुआ शव को देख लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचित किया। मृतक की पहचान 31 वर्षीय घूमो मांझी के तौर पर की गई। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के चांडिल थाना स्थित रसूनिया पंचायत के सुखसारी छोटा तालाब में तैरता हुआ एक शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। तालाब में शव तैरते की सूचना से ग्रामीणों में सैकड़ों संख्या में लोग घटनास्थल पहुंचे एवं मृतक की पहचान में जुटे। ग्रामीणों के अनुसार मृतक रसूनिया पंचायत के हाथी नाता गाँव के निवासी 31 वर्षीय थुमू मांझी है। ग्रामीणों का कहना है कि मृतक मिर्गी बीमारी से ग्रसित था, जिसकी कोई बात मिर्गी के द्वारा पड़ जाता था। घटना को लेकर रसूनिया पंचायत के मुखिया मंगल मांझी ने बताया कि चांडिल थाना को सूचित कर दिया गया है। आज सुबह सुबह खबर मिला, खबर मिलने के बाद पुलिस को भी सूचना दिया गया। इस बीच हम लोग आए, देखे, देखने का बड़ी खोजबीन के बाद पता चला कि हाथी नादा निवासी थुम्बू मांझी है नाम, और इनका कुछ बीते कुछ साल से इनका मिर्गी का दौरा होते रहता था। ग्रामीण से पता चला कि कोई बार इस तरह का इसका मिर्गी का दौरा आया है। सुंदरनगर पूरी हासा पंचायत के ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जोहार ट्रस्ट द्वारा आयोजित होने वाले जोहार नाइट कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की है। इस पर SDO ने त्रिपक्षीय वार्ता का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए SDO के द्वारा त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गई, जिसमें जोहार ट्रस्ट के आयोजक एवं स्थानीय मुखिया को ग्राम सभा से अनुमति लेकर कार्यक्रम आयोजित करने के SDO ने आदेश जारी किए थे, मगर बगैर ग्राम सभा से अनुमति लिए जोहार ट्रस्ट के द्वारा धड़ल्ले से भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है, जिसको देखते हुए 17 मार्च ग्राम सभा आयोजित कर कार्यक्रम का विरोध करने पर आम सहमति बनी। तो 13 तारीख को, ठीक है, SDO मैडम, हमारी पारुल मैडम के मध्यस्थता में त्रिपक्षीय वार्ता हो चुकी थी इस विषय में, लेकिन आयोजक ना ग्राम सभा में आने के लिए
तैयार हो रहे हैं ना हमसे वार्ता करने के लिए आ रहा है, वे जबरन और कार्यक्रम करने के लिए उतारू हो रहे हैं। तो इससे आसपास का क्षेत्र के लोग आक्रोशित हो रहे हैं, वहाँ का माहौल खराब हो रहा है। रविदास महोत्सव के सफल आयोजन के बाद रविदास समाज द्वारा टाटा स्टील फाउंडेशन के CEO सौरभ रॉय और JVA टोपनो को सम्मानित किया गया। इस ऐतिहासिक प्रोग्राम के उपलक्ष्य में आज जमशेदपुर रविदास समाज झारखंड के सभी सम्मानित पदाधिकारियों, कार्यकारिणी और सदस्यों के नेतृत्व में टाटा स्टील फाउंडेशन के CEO सौरभ रॉय एवं डिपार्टमेंट हेड जेरिन जेवियर टोपनो को हमारे समाज सहयोग के लिए प्रशस्ति पत्र दे और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा समाज हित में किए गए कार्य के प्रति आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया गया। इस अवसर पर समाज के सभी गणमान्य लोग, समाज के संरक्षक गणेश राम, संतलाल रवि, महिला समिति अध्यक्ष ललिता देवी, अभियंता दीपक कुमार आदि उपस्थित थे। वर्मा माइंस में 19 फरवरी को सत्येंद्र सिंह के आवास से लाखों के नकदी और जेवरातों की चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक नाबालिग समेत 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 19 फरवरी को वर्मा माइंस थाना क्षेत्र निवासी सत्येंद्र सिंह के घर हुए लाखों की नकदी और जेवरात चोरी मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक नाबालिग सहित 4 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधकर्मियों के नाम राजा मांझी, श्रीकृष्ण परिदा और आशीष पीड़ा बताया जा रहा है। पुलिस ने उनके पास से करीब 89.60 ग्राम गला हुआ सोना, एक मोबाइल, कान में प्रयुक्त पेचकस एवं रड, जेवरातों के डब्बे व झोलों के जले हुए अवशेष बरामद किए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए CTSP मुकेश लुनायत ने बताया कि मामले को लेकर वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया था। वर्मा माइंस थाना अंतर्गत कुवाल ताल में मध्य रात्रि में एक घर में गृह वेदन की घटना को कुछ अपराधियों द्वारा कारित किया गया था, जिसमें वादी के आवेदन पर वर्मा माइंस कांड संख्या 1724 दर्ज कर विधिवत उसका अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। चूँकि इसमें जो चोरी की गई सामान की संख्या बहुत ज़्यादा थी, तो इसमें पुलिस उपाधीक्षक सिटी के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का नेतृत्व किया गया। इस टीम द्वारा मानवीय और तकनीकी आसूचना के आधार पर इस घटना में शामिल कुल 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। बीते 26 फरवरी को इंडस्ट्रियल एरिया में सोनाराम कराई हत्याकांड का पुलिस ने उद्भेदन करते हुए अमित सरदार नामक अपराधकर्मी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। RIT थाना पुलिस ने बीते 26 जनवरी को इंडस्ट्रियल एरिया कृष्णापुर के बोंडी में हुए सोनाराम किराई हत्याकांड मामले का खुलासा करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। युवक का नाम अमित सरदार उर्फ डॉनू है। पुलिस ने अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और एक साइकिल बरामद किया है, जो मृतक का बताया जाता है। सोमवार को इस संबंध में SP मनीष टुप्पू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि मृतक अक्सर उसके घर हणिया पीने जाता था, जहां उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ किया करता था। 26 तारीख की घटना है। 26 तारीख की घटना है कि उस दिन हम लोग को एक सोनाराम किराई है, उम्र जिसका 25 वर्ष है, उसका डेड बॉडी मिला था RIT थाना में। उस में कांड दर्ज किया गया था और अज्ञात के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया था, और SDPO सरायकेला के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया था ये केस के उद्भेदन के लिए। और इनकी टीम ने और RIT थाना की टीम ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया, और अज्ञात जो अपराधकर्मी था उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसकी गिरफ्तारी के बाद घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और मृतक का साइकिल दोनों बरामद किया गया। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं। तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है।
चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के, वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का, चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071, 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन, उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। इंडियन बेकरी, स्पेशलिस्ट इन केक्स एंड कॉन्फेक्शनरी आइटम। ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटी, स्पेशलिस्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ पेटीज, एगलेस केक, बर्थडे केक, एनिवर्सरी केक, वेडिंग केक। Anniversary cake and school order specials. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक, ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है, तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं, ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा, आपको रिजनेबल प्राइस में मिलेगा, रिजनेबल रेट।